नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में सन 1998 में रिलीज अमिताभ बच्चन गोविंदा की शानदार कॉमेडी एक्शन फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे तथा फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, इस फिल्म को वासु बगनानी ने प्रोड्यूस किया था तथा डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था तथा इसमें अमिताभ बच्चन तथा गोविंदा दोनों ही डबल रोल में थे। साथ ही दोस्तों, परेश रावल, अनुपम खेर, सतीश कौशिक की भी लाजवाब कॉमेडी इस फिल्म में देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों, एजे एक्ट्रेस रमैया कृष्णन तथा रवीना टंडन ने भी अपनी भूमिकाएं ठीक ढंग से निभाई थी। दोस्तों, जहां तक फिल्म की कहानी की बात करें तो अर्जुन सिंह बने अमिताभ बच्चन तथा प्यारे मोहन बने गोविंदा दोनों ही एक ही पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर के रोल में थे, परंतु दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। दोस्तों, मुसीबत तब आती है जब उन्हें शहर में हो रहे अपराध, चोरी तथा डकैती के जुर्म में एक्यूज्ड बनाया जाता है, जबकि वे जुर्म उन्होंने नहीं बल्कि उनके ही हमशक्ल बड़े मियाँ बने अमिताभ बच्चन तथा छोटे मियाँ बने गोविंदा करते हैं। दोस्तों, दोनों पुलिस अफसरों को नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, तब वे इस रहस्य से पर्दा उठाने निकल पड़ते हैं कि आखिर इन घटनाओं के पीछे कौन है। दोस्तों, अब इन परिस्थितियों में एक से बढ़कर एक हास्य की स्थितियां उत्पन्न होती है तथा आप शुरू से अंत तक हंसते ही रहते हैं और इस मनोरंजक फिल्म का मजा उठाते हैं। दोस्तों, अभिनय के लिहाज से इस फिल्म में अमिताभ बच्चन व गोविंदा दोनों ही अपनी फुल फॉर्म में नजर आते हैं। गोविंदा तो कॉमेडी के उस्ताद है ही, उनकी टाइमिंग व एक्सप्रेशंस गजब है, परंतु अमिताभ बच्चन भी इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं रहते हैं। वे भी गोविंदा के साथ अपनी बेहतरीन कॉमेडी से फिल्म में रंग जमा देते हैं। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म में आपको एक गाने में माधुरी दीक्षित का अमिताभ बच्चन व गोविंदा के साथ शानदार डांस भी देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, विजू शाह का दिया गया संगीत जबरदस्त लोकप्रिय हुआ था। दोस्तों, इस यादगार लाजवाब फिल्म का बजट लगभग 9 करोड़ रुपए का था तथा इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लगभग 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया तथा वर्ल्ड वाइड 36 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया तथा सुपरहिट साबित हुई। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बता दूं, इस फिल्म का क्लेश करण जौहर की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता से हुआ था। इसके बावजूद फिल्म 1998 की 4th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनने में सफल रही थी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ मजेदार अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, पहला फैक्ट ये है कि शराफत अली अर्थात सतीश कौशिक को पुलिस स्टेशन से छुड़ाने का पूरा दृश्य पाकिस्तानी ड्रामा हमसा हो तो सामने आए की कॉपी किया गया था, जिसे पाकिस्तानी कॉमेडियन उमर शरीफ पर फिल्माया गया था। दोस्तों, रमैया के रोल के लिए जूही चावला फर्स्ट च्वाइस थी, परंतु वे किसी कारण से ये फिल्म नहीं कर पाई थी। इसके अलावा दोस्तों, दिवाली पर फिल्म का क्लेश कुछ कुछ होता है से हुआ था, इसके बावजूद ये फिल्म 1998 की हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म बनी थी। दोस्तों, अगला फैक्ट ये है कि फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन ने भी फिल्म में 7 सेकंड का एक कैमियो रोल किया था। दोस्तों, बात करें अगले मजेदार फैक्ट की तो वो ये है कि माधुरी दीक्षित ने इस फिल्म में पहली बार सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर किया था। दोस्तों, अमिताभ बच्चन तथा गोविंदा दोनों ने ही फिल्म में डबल रोल निभाया था तथा अमिताभ की पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा नहीं कर पाई थी, अतः उन्हें सफलता के लिए गोविंदा का सहारा इस फिल्म में लेना पड़ा था। दोस्तों, अगले फैक्ट की बात करें तो गोविंदा को ये कहा गया था कि वो अमिताभ के साथ काम ना करे क्योंकि सफलता का सारा क्रेडिट अमिताभ बच्चन को मिल जाएगा, परंतु दोस्तों, गोविंदा ने किसी की परवाह नहीं की और फिल्म की सफलता का क्रेडिट उन्हें भी अमिताभ बच्चन से बराबर ही मिला, बल्कि यह कहा जाए कि उन्हें ज़्यादा मिला तो कोई गलत नहीं होगा। दोस्तों, ये फिल्म गुलजार की फिल्म अंगूर से इंस्पायर्ड थी, जिसमें संजीव कुमार तथा देवेन वर्मा दोनों ही डबल रोल में थे। दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम फैक्ट यह है कि इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन तथा डेविड धवन ने एक बार फिर से फिल्म हम किसी से कम नहीं है में साथ काम किया था। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें तथा चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।